नमस्कार, घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत। आज मैं आपके साथ खट्टा करेला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में बहुत ही चटपटा और मसालेदार है। तो आप मेरी वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को लास्ट में नोट कर दिया। तो सबसे पहले हम करेला को पतला पतला स्लाइस में कट कर लेंगे और प्याज को भी पतला पतला स्लाइस में कट कर लेंगे। इमली को पानी में सोख कर लेंगे कुछ मिनटों के लिए। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बर्तन को गर्म करेंगे और उसमें कोरिएंडर सीड को भूनेंगे कम आंच पर। जब इससे भीनी भीनी खुशबू आने लगे तब हम इसे ठंडा होने देंगे और इसे पीस लेंगे। इसकी खुशबू हमारे घर पे फैल रही है। इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम उसी पैन में ऑयल गर्म करेंगे। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे और उसे सौते करेंगे। ऑनियन को हम पूरा ब्राउन होने देंगे। जब ये पूरी तरह से ब्राउन हो जाए तब हम इसमें करेला ऐड करेंगे और उसे एक दो मिनट कुक करेंगे। अब हम इसे कवर कर दो चार मिनट के लिए कुक करेंगे। दो चार मिनट होने के बाद अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो मसालों में हम इसमें हल्दी और नमक ऐड करेंगे। मसाले आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे और इसे एक दो मिनट सौते करेंगे। मसाला जले ना तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ढक कर एक दो मिनट कुक करेंगे। कुछ मिनट बाद हम इसमें कोरिएंडर मसाला ऐड करेंगे और उसे एक दो मिनट कुक करेंगे। इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि धनिया मसाला पहले ही से ही भुना हुआ है। अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये जल जाएगा। अब हम इस पर पानी ऐड करेंगे और एक दो मिनट कुक करेंगे उबाल आने तक। अब इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसमें इमली ऐड करेंगे और एक दो मिनट कवर कर कुक करेंगे। अब एक दो मिनट हो गया है। अब हमारी खट्टी करेली तैयार है। ये देखने में लग रहा है ना सुंदर, क्योंकि घर का जायका विद खुशबू में जो दिखता है वही पकता है। अब हम इसको एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में उतना ही टेस्टी और चटपटा लगेगा। यकीन नहीं होता तो आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर करें। और सबसे खास, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे पैसा नहीं लगता, बट मेरा हौसला ज़रूर बढ़ता है आगे काम करने को। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है kanojiakhushbu122। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।
और घर पर रहकर ही मेरी मज़ेदार रेसिपी का लुत्फ़ उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड नमस्कार।